रिटेंशन हैज़ बीन द बिगेस्ट चैलेंज नाउडेज। लोगों को रिटेन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, उनको रीजनेबल इंसेंटिव भी दिया जा रहा है और एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ भी दिया जा रहा है, फिर भी थोड़ा सा प्रेशर जब आ जाता है तो वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। मेरा ये मानना है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, एक है लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस वाले और एक है हाई फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस वाले। कहते हैं 3% ऑफ द पीपल एक्सट्रीम डिफिकल्टीज एक्सट्रीम चैलेंजेस को ले सकते हैं, और जो 17% पीपल होते हैं वो रीजनेबल चैलेंजेस को ले सकते हैं, और 80% पीपल जो है वो ऑर्डनरी लोग हैं, वॉन्डरिंग जनरैलिटी है, मीनिंगफुल स्पेसिफिक नहीं है, गोल ओरिएंटेड नहीं है। नाउ जब एक आदमी गोल ओरिएंटेड ही नहीं है, 80% ऑफ द पीपल जो है गोल ओरिएंटेड नहीं है, मतलब आज आए हैं तो अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, सेल्स का काम कर रहे हैं, मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, रिसेप्शन पे है, टेक्नोलॉजी पे है, या प्रोडक्शन में है, जो भी है, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि ये 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ये बहुत प्रेशर्स को ले नहीं सकते। तो करना क्या है? सबसे पहला, जब भी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशनल बड़ा प्रेशर का काम रहेगा तो आप ये जो गोल ओरिएंटेड लोग जो है, जिनके पास लिखा हुआ गोल है, जो पर्पस ओरिएंटेड है, जो फ्यूचर ओरिएंटेड है, जो अपने आप को मानते हैं कि अभी मेरे को फ्यूचर में बहुत कुछ करना बाकी है, उनको आप पहला प्रेशर दीजिए। उसके बाद आप वो 17% आदमी को वो काम में इन्वॉल्व कीजिए, और उसके बाद इन दोनों को देखते हुए चंद परसेंटेज ऑफ पीपल जो 80% है उसको आपको ये 17% या 3% में लाना है। सो मेरा ये मानना है कि खाली पगार देने से काम नहीं चलता, क्योंकि पगार जो है या वेजेस जो है या सैलरी जो है वो आप भी देते हैं, आपके ऑफिस को छोड़ के नेबर का ऑफिस में चले जाएंगे या एक फ्लोर नीचे उतरेंगे या एक फ्लोर ऊपर जाएंगे तो उनके पास रेडीमेड जॉब्स है। नाउ ये रेडीमेड जॉब्स की वजह से इनका जो प्रेशर लेने का जो रीज़न भी नहीं है उनके पास। ऐसा होता है ना कि प्रेशर लेके अगर मेरे को और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो मैं प्रेशर ले भी ले लूँ। जब लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होता है, दूसरे अवेलेबल एवेन्यूज होते हैं, दूसरे जगह पे जा सकते हैं, जब उनको ये मालूम है तो वो लोग उस तरह का दर्द और चैलेंज लेते नहीं हैं। नाउ ये हो गया एक बात। दूसरा जो एक नज़र मेरे को आ रहा है, ये जो है अभी का जो लोग है इनको रिटेन करने के लिए उनको कुछ न कुछ जल्दी जल्दी देना पड़ेगा। पहले कैसे होता था कि उनका KRA और KPI सेट कर दिया, और क्वार्टरली में जो भी उनके साथ मिलके KRA सेट किया, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दोनों पार्टी एग्री करना चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूँ करके। प्रेशर कब आता है? मैंने आपके ऊपर काम दे दिया लेकिन वो आपकी या तो औकात के बाहर है या विलिंगनेस के बाहर है या एबिलिटी के बाहर है या एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों के बाहर है। तो मैंने अगर आपको काम दिया तो आप उस काम को नकारेंगे। तो सबसे मेन बात यह है, टेक करने से आदमी जब एग्री करता है कि मैं ये करूँगा, और उसको ये भी बोलना है कि अगर तेरे को कभी प्रेशर आवे, कभी तेरे को ऐसा लगे कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है, ताबड़तोब मेरे पास आना और हमसे कोई ना कोई रिलीफ या सोल्यूशन मांग लेना। अब वो रिलीफ में हम आदमी एक्स्ट्रा उसको दे सकते हैं या उसका जो टारगेट है उसको कम कर सकते हैं, जो भी है वो एक रबर बैंड के मापद है। कुछ रबर बैंड बहुत ज़्यादा खींचा जा सकता है, किसी कुछ रबर बैंड को ज़्यादा खींचा नहीं जा सकता। ह्यूमन बींग्स का ये सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है कि वो मशीन के मापद नहीं है कि आपने सब अगर 10 मशीन है, 10 पे आपने बोझ चढ़ा दिया तो 10 का एंड्योरेंस पावर एक ही रहता, क्योंकि उसको फैब्रिक उसको कैलिब्रेट और उसको बनाया वैसे जाता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स जो है वो वैसा नहीं होता, उसके अपने मूड होते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। कोई बहुत ही जैसे मैं जब यंगर डेज में था तो मुझे ग्रो करने की बड़ी चाहत थी, पैसा कमाने का बड़ा चाहत था, तो मैंने बहुत सारा दर्द लिया और मुझे दिया भी गया और मैंने लिया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी को उस तरह से दर्द लेने की चाहत होगी। तो इफ़ यू कम बैक, रिटेंशन हैज़ बीन द बिगेस्ट चैलेंज नाउडेज। Despite of giving good wages and ample opportunities to them, as soon as a little pressure is put for results, they leave. एक और चीज कर सकते हैं। एवरी एवरी एवरी
मंथ में अपन एक इनफॉर्मल मीटिंग कर सकते हैं इंसानों के साथ। इनफॉर्मल यानी ये कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं है, एक चाय पे चर्चा हो सकती है, आप डिनर कर सकते हैं उनके साथ, आप लंच कर सकते हैं और आप मूड को नाप तोल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आदमी छोड़ के जाने वाला है ना, तो वो मतलब कहते हैं कि जो आदमी छोड़ के जाने वाला है वो लक्षण पहले ही दिखाने चालू कर देता है। वो या तो आँख से आँख नहीं मिला रहा है, या फिर वो मुंडी नीचे करके बात कर रहा है, या फिर वो अभी छुट्टी लेने चालू कर दिया, या फिर पहले जैसे बिना बहाने दिए काम करता था अभी बहाने दे के काम कर रहा है, अब अपने को मिलने से वो अवॉइड कर रहा है। तो काफ़ी वो चीज़ें पहले ही साइंस दिखाते हैं। इंसान लोग अपने चेहरे से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने चाल में साइंस दिखाते हैं, और ये साइंस को ऑब्जर्व करना और ये साइंस को ट्रैक करना और इन साइंस के ऊपर अपने को विचार करना बहुत ज़रूरी है। गैलप्स ने एक स्टडी किया था। गैलप्स एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन बिहेवियर को और ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी करती है। उस स्टडी में ये निकला कि 15% आदमी लोग जो कंपनी में हैं वो एक्टिवली डिसएंगेज्ड है, और 56% जो लोग हैं वो पैसिवली डिसएंगेज्ड है, और जो 29% जो है वो एक्टिवली एंगेज्ड है। एक्टिवली एंगेज्ड वो आदमी लोग होते हैं जो चैलेंज लेते हैं, जो कंपनी का विजन के साथ जीते हैं, जो कंपनी में घुल मिलते हैं, जो कंपनी का भलाई चाहते हैं, जो चैलेंज लेना चाहते हैं, कंपनी को दर्द आया, डिफ़िकल्टी आई तो वो लोग साथ में मिल के काम करते हैं। और एक कैटेगरी होता है जो पैसिवली एंगेज्ड है, इसके पीछे पड़ना पड़ता है, उसको मॉनिटरिंग करना पड़ता है और मॉनिटरिंग करके अपने को उसको गाइड करना पड़ता है। और जो 15% लोग हैं जो एक्टिवली डिसएंगेज, वो खुद भी काम नहीं करते, दूसरों को भी काम करने नहीं देते। तो हमें कॉन्स्टेंटली लोगों को देखते रहना है कि कौन एक्टिवली डिसएंगेज है तो उसको पैसिवली एंगेज करके लाना है, जो पैसिवली एंगेज है उसको एक्टिवली एंगेज करना। तो इस तरह से सिर्फ सैलरी की भी बात नहीं होती है, रिकग्निशन की भी ज़रूरत होती है। तो आप उसको रेगुलरली रिकग्नाइज़ कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, परफॉर्मर ऑफ द मंथ, अचीवर ऑफ द मंथ, ऐसे आप बोर्ड्स लगाइए, फ़ोटो लगाइए, इससे भी एक फीलिंग होता है। दूसरा, लोगों को रिटेन करने के लिए उनको एम्पावर कीजिए। एम्पावरमेंट का मतलब है कि ट्रांसफरिंग पावर। जैसे हमारे कंपनी में कम से कम 11 लोग हैं जो चेक साइन कर सकते हैं। ये पावर हमने 20 साल पहले जब मैंने कंपनी चालू किया तो हमने हमारे अकाउंटेंट, हमारे सेल्स हेड, हमारे एचआर के लोग, इनको हमने चेक साइनिंग का एम्पावरमेंट दिया। एम्पावरमेंट का मतलब है कि डिसीशन मेकिंग में उनको अलाउ करना, मतलब ऑफिस लेना है, ऑफिस की वस्तुएं लेना है, लोग मतलब उनको कॉन्फ्रेंस रूम लेना है। तो जब लोग डिसीशन अगर ले पाते हैं अपने डिपार्टमेंट में और अपने कंपनी में डिसीशन ले पाते हैं तो लोग अपने आप को बहुत एम्पावर फील करते हैं। तो एम्पावर्ड एम्प्लॉयज़ ज़्यादा लंबा टाइम तक रहते हैं। और देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज ए ग्रेट प्लेस टू वर्क, GPTW। आप ग्रेट प्लेस टू वर्क का वेबसाइट में जाइए, इट्स एन अमेरिकन कंपनी, GPTW, कि आप अपना कंपनी को ग्रेट प्लेस टू वर्क कैसे कर सकते हैं। तो ग्रेट प्लेस टू वर्क में काम करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको करना पड़ेगा, ये भी एक रीज़न हो सकता है। लोग इसलिए भी छोड़ते हैं क्योंकि ऑफिस बहुत लंबा है, ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी लोग छोड़ते हैं। लोग इसलिए भी छोड़ते हैं कि बॉस लोग बराबर ट्रीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं 70% ऑफ द पीपल लीव बिकॉज ऑफ अ बैड बॉस। तो आपका मैनेजरल जो टीम है, जो मैनेज कर रहा है, जो लीडरशिप का टीम है, वो किस तरह का टीम है, आपको ये भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा। कॉन्स्टेंटली ये देखना पड़ेगा कि आपके मैनेजर्स बहुत ही अकोमोडेटिव, बहुत ही इंस्पायरिंग मैनेजर्स हैं, और आपके लीडरशिप टीम जो है वो बहुत ही दूरअंदाज वाली टीम है, उनमें पीपल मैनेजमेंट और पीपल को देखने की कैपेसिटी भयंकर है। ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि लोग जल्दी छोड़ के जाते हैं। अगर आपने अपने कंपनी को हैप्पी प्लेस टू वर्क किया, ग्रेट प्लेस टू वर्क किया, सैलरी तो आपने दिया लेकिन एम्पावरमेंट भी दिया, डिसीजन मेकिंग भी दिया और उनको ग्रोथ भी दिया। क्योंकि पहले ज़माने में जो ग्रोथ होता था, जब मैं यूरेका फोर्ब्स में था तो एक ग्रुप लीडर बनने के लिए 3 साल लगते थे, लेकिन एक ज़माना आया कि ग्रुप लीडर बनने के लिए हम लोग 1 साल में करते थे, फिर एक ज़माना आया जहाँ पर हम लोग ग्रुप लीडर को 6 महीने में बनाते थे। इसी तरह से
हर क्वार्टरली में जब आप इवैल्यूएशन करेंगे, भले आप 10% इंक्रीज देने वाले सैलरी को, तो मैं कहूंगा 2.5% 2.5% 2.5% ऐसे चार टुकड़े में थ्रू आउट द ईयर देंगे, तो कुछ ना कुछ मिला, कुछ ना कुछ मिल रहा है, ऐसा एक फीलिंग भी उनको आते रहना चाहिए। तो ये सभी चीजें करेंगे तो मेरा ये मानना है कि हम लोग अपने लोगों को रिटेन कर पाएंगे, लंबा टाइम तक लेके जा पाएंगे। फिर कुछ रीजंस होते हैं, जैसे बोर हो गए, काम से बोर हो गए, या फिर वो काम ही उनको पहले से उनको काम अच्छा नहीं लगता था। आपने एक कंटेंट वाले आदमी को सेल्स में डाल दिया, आपने एक सेल्स वाले आदमी को ऑफिस में बिठा दिया, आपने इंसानों को जो देखना ही नहीं पसंद करता है उसको पकड़ के सेल्स में डाल दिया, जो इंसानों के साथ ही काम करना चाहते उसको कंप्यूटर के सामने बिठा दिया। तो देर इज़ ए मिसमैच बिटवीन यू नो द पर्सन्स एबिलिटी एंड द जॉब। तो कई बार हम लोग जो गुरुकुल में सिखाते हैं कि जो आदमी को जो काम करने को अच्छा लगता है, जिसमें वो रिजल्ट पैदा कर सकता है, जो करने में उससे उत्साह आता है, जो करने में वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट पैदा करता है, ये सब चीज़ें इंटरव्यू के टाइम पे भी पूछ लेना चाहिए और देखते रहना चाहिए आदमी को, कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट करते रहना चाहिए कि यू नो आदमी खुश है कि नहीं, और हैप्पीनेस सर्वे करवाइए हर महीने में, यू नो एम्प्लॉयज से फीडबैक लीजिए हर एम्प्लॉय से कि व्हाट शुड द कंपनी स्टार्ट डूइंग, व्हाट शुड द कंपनी स्टॉप डूइंग एंड व्हाट शुड द कंपनी कंटिन्यू डूइंग। और जब एम्प्लॉय फीडबैक देता है तो उस फीडबैक के ऊपर आप अमल कीजिए, तो एम्प्लॉय को लगता है कि यू नो मैं मेरी बातें सुनी जा रही है। एक और चीज़ कर सकते हैं हम लोग जो एडवांस गुरुकुल में सिखाते हैं, मास्टरी इन एंटरप्रेन्योर एक्सेलेंस एडवांस गुरुकुल जो है, उसमें हम लोग सिखाते हैं ब्लो द लिड ऑफ करके मीटिंग होता है हर महीने में एक बार, सबको खड़ा कर दिया तो आदमी जो अपनी दिल की बात है वो बता सके, वो बॉस से खुश नहीं है, कंपनी से खुश नहीं है, प्रोडक्ट से खुश नहीं है, प्राइसिंग से खुश नहीं है, प्रमोशन से खुश नहीं है, मार्केटिंग से खुश नहीं है। तो इस तरह से ब्लो द लीड ऑफ मीटिंग एक सबके सामने, लेकिन वो कंडक्ट करने वाला आदमी एक ईमानदार आदमी होना चाहिए, वो कंडक्ट करने वाला आदमी जो है उसमें बहुत कैपेसिटी होनी चाहिए, वो कंडक्ट करने वाला आदमी का लोगों का उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लो द लीड ऑफ मीटिंग ले रहा है उस आदमी पे जो ले रहा है उसी पे ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है, उसी को लोग लीडर करके नहीं मानते, उसी को लोग एक बड़ा मैनेजर करके नहीं मानते, एक इंसाइटफुल मैनेजर करके नहीं मानते, तो भी काम अपना रुक सकता है। तो ये सभी चीज़ें आप करते रहिए और मेरा विश्वास है कि वी विल बी इन अ पोजिशन टू रिटेन आवर पीपल, कि कुछ तो लोग जाएंगे ही क्योंकि शायद हमको उनका एस्पिरेशन को मैच करने को नहीं होगा। अभी आजकल जो है मैं ये भी बताता हूँ कि पहले लोगों का गोल को देखिए कि क्या है, और गोल को देखने के बाद अपने कंपनी के साथ उनको अलाइन करना है। मिसाल के तौर पे हमारी कंपनी में एक लड़की मेरी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होती थी, उसको हमने, वो 1.5 साल से हमारे साथ है, तो हमने उसको यू नो एक दूसरे डिवीजन में डाल दिया, संतोष नायर नॉलेज प्रोडक्ट्स एंड मर्चेंडाइज एज ए हेड उसको बना दिया। क्यों? क्योंकि जब हमने उसका 3 ईयर्स का गोल का सेटिंग किया तो उसने कहा कि मुझे तो रोल्स रॉयस लेना है, मुझे तो बड़ा घर लेना है। अब ये बड़ा घर और बड़ा रोल्स रॉयस तो खाली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी होने के बाद ही हो सकता है, और उसके लिए एक एंटरप्रेन्योर आउटलेट उसको बना के देना, तो एक कंपनी ही उसके नाम पे डेडिकेट कर दिया, संतोष नायर नॉलेज प्रोडक्ट्स एंड मर्चेंडाइज। तो अभी वो कंपनी से वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसे कमा के वो अपना रोल्स रॉयस ले सके, ऐसा ये नया दुनिया है जहाँ पर अपने को लोगों का गोल के साथ अपने कंपनी का गोल को भी अलाइन करना पड़ेगा। ये बहुत ही ट्रिकी एक ज़माना है, ये टेक्नोलॉजी के वजह से लोगों के पास हर क्षण ऑप्शन है, हर क्षण। पहले जब मैं 1985 में मैंने अपना नौकरी चालू किया तो पहले तो प्लेसमेंट एजेंसी भी नहीं होते थे, फिर Naukri.com तो बिल्कुल नहीं होता था, फिर TimesJob.com भी नहीं होता था, इंडीड नहीं होता था, या प्लेसमेंट एजेंसी नहीं होते थे, तो ऐड डालते थे न्यूज़पेपर में, आदमी मिलना मुश्किल था, नौकरी मिलना मुश्किल था। आज इस तरह का एक डायनामिक एनवायरनमेंट है जहाँ पर आदमी को सब जगह पर अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, और उसे खाली अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है मेरे को नौकरी नया चाहिए, या लिंक्डइन में डालना है, उसके फ्रेंड से लीग से दुनिया है जो उसको ट्रैक कर रही है और उसे लिया जा सकता। तो हम एक बहुत ही टेक्नोलॉजिकली फास्ट मूविंग वर्ल्ड में है, एंड देयरफॉर लोगों का थोड़ा बहुत आना जाना तो लगा रहेगा,
हेल्दी एट्रिशन तो ठीक ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो कंपनी के अंदर एनवायरनमेंट का स्टडी करना पड़ेगा, क्लाइमेट स्टडी करना पड़ेगा, किसी एक्सटर्नल आदमी से अपने को स्टडी कराना पड़ेगा कि भाई क्या क्लाइमेट में क्या प्रॉब्लम है। हमारे क्लाइमेट में एक दुख का वातावरण है, यहाँ पर कमिटमेंट का वातावरण नहीं है, या मैनेजर्स अच्छे नहीं है, या मैनेजर्स जो है वो लूज टॉक करते हैं, कई जगहों पे लीडर्स जो है वो लूज टॉक करते हैं कंपनी के खिलाफ, वो मैनेजर्स और लीडर्स बोलते हैं, एंड देयरफॉर एक वातावरण भी होना चाहिए, और वो वातावरण जब नहीं मिलता है किसी किसी को तो वो भी छोड़ने की संभावना है। तो ये सभी बातें हैं मेरे ख्याल से। और दूसरा, आज के यंगर जनरेशन का नहीं, आज अटेंशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हुआ है, ADD बोलते हैं, कि लोग कोई भी चीज़ पे ज़्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, एंड देयरफॉर वो लोग का नज़र हटते रहता है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको नज़र में लेना है, यू नो, और ये सभी चीज़ें हैं। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि लोग, कुछ कुछ लोग मांगते भी नहीं और चले जाते हैं, तो मांगे नहीं तो हमें पूछना चाहिए भाई क्या चाहिए। अच्छा लग रहा है काम, मज़ा आ रहा है, बॉस के साथ आनंद आ रहा है काम करने के लिए, तो वो बॉस ही नहीं पूछे। अभी समझो मेरे को एक जनरल मैनेजर रिपोर्ट करता है, उसको एक मैनेजर रिपोर्ट करता है, और उसको एक एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट करता है, तो हम एट द डायरेक्ट लेवल भी एग्जीक्यूटिव से भी इसको बोलते स्किप लेवल मीटिंग। एक लेवल मेरे को तो GM रिपोर्ट करता, मैं खाली GM से नहीं बात करूँ, GM के नीचे वाले लोगों से भी बात करना चाहिए। जैसे मेरा सुबह एक मीटिंग होता है 9:01 पे, उसको हम लोग डेली अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लीकेशन मीटिंग बोलते हैं, 15 मिनट का मीटिंग होता है, हेड सब आते हैं, तो हेड के नीचे का एक लेवल और उसके नीचे का लेवल भी आते हैं, तो मैं डायरेक्टली उनसे बात कर सकता हूँ। रोज का काम वो लोग आपस में अपना मैनेजर के साथ करते हैं, लेकिन हमें डायरेक्टली भी बात करना चाहिए, इसको स्किप लेवल मीटिंग बोलते हैं। स्किप लेवल मीटिंग से पता चलता है कि अपना वो जो एग्जीक्यूटिव है उसके मैनेजर से खुश है कि नहीं, वो मैनेजर अपना GM से खुश है कि नहीं, इस तरह से भी काम सब करेंगे, तब जाके हम लोग लोगों को ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।